मोदी जी ते बड़ो झूठा या हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री ना भयो, झूठा प्रधानमंत्री ना भयो कोई जितो हवाए श्याम सुंदर शर्मा दे ऊंचो झूठा पायो। गंगा मैया की कसम, जमुना मैया की कसम, विकास की गंगा बहा दूंगा। अब वह गंगा जी में तलगा गड़ी में और दे भगवान गड़ी में। कामकाज योगी जी के कामकाज देख करके 10 में से कितना नंबर देंगे? अरे मैं तो वहां 0 तक, और कोई 0 होती ना नीचे तो देखो, अब 0 के नीचे कोई है ना। किसान जंगल में पड़े हो रहे है, और कहूँ मार दिए, कहूँ बेजारन ने फाड़ दिए, कहूँ गाय खा गई खेतन ने। ये देखो एक नयो के देखो है कि जब 70 और 60 रुपए लीटर डीजल लगाओ, जब वो गेहूँ यही भाव बिको, अब 100 है गो और कमती बिको। दवाई महंगी, बीज महंगे, डीजल महंगो, पेट्रोल महंगी, किसान को माल हुआ भाव। ये देखो कह रहे हैं बहुत हुआ अत्याचार इस बार जो है। काय को अत्याचार कह रहे हैं किसानों के लिए, जो किसान ने किसान तो इतना अत्याचार करे हो कि 750 किसान मरवा दिए। सरकारें करती थी अत्याचार, ये सरकार तो किसानों की हिमायती बता रहे हैं। अरे किसान को जिनको नारो सबका साथ सबका विकास, और वहां को ठीक उल्टो भयो, विनाश भयो किसान को, इनने करो विनाश। अरे किसानों को 2000 रुपए दे रहे थे। अरे 2000 रुपया कहा हुए किसान के, 2000 रुपया दे बहका रहे, ये मीठी गोली दे दी 2000 रुपया की, हम पे तो और उल्टे ले ले हमारे जो हमारी उपज को हमें मूल दबा दे, 2000 और काट लेकर हम पे दे, या महंगाई ये रोक दे, 2000 हम ही डाल देंगे योगी खाते में। कह रहे महंगाई तो इंटरनेशनल मुद्दा है, महंगाई यही इंटर, अरे सब जगह तो और क्या करें। और यहाँ की सुनो, अब तक जो श्याम सुंदर शर्मा 35 साल से यहाँ विधायक रहते आए, उन्होंने केवल झूठ के अलावा विकास की गंगा तो झूठ की तो बहुत बहाई, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं किया आज तक। चौधरी रामबाब सिंह कटेलिया जी ने किसी पद पे न रहते हुए इस क्षेत्र के लिए इतना किया है कि हम अपना खून भी दे देना, वो भी कम है, खून भी दे दे, हाँ वो भी कम है। क्यों? 4-4 बिजली घर या क्षेत्र में बनवाए, श्याम सुंदर शर्मा के गाँव में पचहरा में रामबाब सिंह की देने, कटेलिया जी की जो बिजली घर बनवाया, धरना देके आंदोलन किया, जकरपुर पे किसानों के लिए लाठी खाई, जेल गए, और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद 2 दिन उन्हीं के आंदोलन पर बंद हुआ है, कटेलिया जी के, कटेलिया जी के पे संसद नहीं चला 2 दिन, किसान आंदोलन चला, किसान आंदोलन रही कटेलिया जी, कटेलिया जी की तो पूरी भागीदारी, कटेलिया जी उन्होंने अपना किसान के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया। 70 साल की उम्र हो गई किसानों के लिए, किसानों के लिए ना उन्होंने शादी की, और आज भी किसान के लिए जिएंगे और किसान के लिए ही मरेंगे, ये संकल्प है कटेलिया जी का। इसीलिए आप कटेलिया जी के साथ हैं? साथ हैं कटेलिया जी के साथ, हम ही नहीं ये पूरा क्षेत्र साथ है। कटेलिया जी तो एक ऐसा इंसान है कि अगर कोई गहराई से अगर सोचे तो ये वोट तो नातुक्ष चीज है। उन्होंने तो ऐसे काम किए जनता के लिए कि शायद उन्हें तो परमवीर चक्र जिंदे पे ही मिल जाना चाहिए, इतना भरोसा, इतना भरोसा है। अच्छा कटेलिया जी जो है मैदान में है इस वक्त, तो क्या लग रहा है जनाधार है इधर से उनका? अरे जनाधार हवाएं अच्छी, जो चंद दलाल है ना जो शर्मा जी के, केवल वही मचा रहे, लाठर जी हैं जो जो दलाल गांव गांव दो दो चार चार, वो है एक भी किसान उनके साथ नहीं मिलेगा आपको ओरिजिनल। अच्छा किसानों में भी दो फाड़ हो गया, ओरिजिनल नकली हो गया क्या? अरे नकली नहीं, गांव गांव दो चार तो हो ऐसे जो वैसी हवा खाएंगे पीएंगे हल्ला बोलेंगे गाड़ी लगे हवा बन जाएगी, लेकिन ये जितने तुम्हें दिख रहे हैं ये किसान किसी से भी बात करके देख लो वो चौधरी रामबाब सिंह के साथ है। चलिए योगी जी के 5 साल कामकाज देख, अरे योगी जी का तो 5 साल बताई आपको बताया नहीं, योगी जी तो वो टुनटुनी बजावे वाले हैं, उन्होंने एक बात बताओ, अरे बाबा जी ने को कहा काम, बाबा जी क्या समझेंगे किसान कितनों को मेहनत करे क्या करे, अब तुम्हें दिखाएंगे हम फसल।
कितना नुकसान हो रहा है हमारा। खड़े हो जाइए थोड़ा सा, ठीक है, आ जाइए इधर। हाँ, कुछ बताना चाह रहे थे, बताते रहिए आप, यहीं से बोलिए बस। ऐसा है कि ये देखो, रात को दिन में आदमी काम करे, पूरी रात जब खेत में रहेगा क्या करेगा? सोए कभी तो सोएगा। 50-50 गाय ये खेत में जब पड़ जाएंगी क्या छोड़ेंगी बताओ? किसान बहुत दुखी है या बीजेपी से? किसान जो है सरकार से दुखी है बहुत ज्यादा। और बिजली को लेकर कह रहे हैं कि बिजली हाफ कर दिया इस सरकार ने, उसके बिल बढ़ा दिए, अब हाफ अब कह रहे हो कि तो एक चुनावी माहौल है। आएंगे सबके पास आएंगे, सुनो, ये चुनाव की वजह से पहले क्यों नहीं किया? बिजली घटा दी, 10 घंटा कर दी, बिल कर दिए दूने। अब जब चुनाव आया तो अब आपको हाफ बिल कर देंगे? अरे हाफ पहले तो ही रख दे भाई। तो किसानों का क्या समस्या, क्या क्या आ रही है ये बता? समस्या हमें देखो, हमारी न तो उपज को मूल्य मिले हमें, ठीक है, एमएसपी हमें मिले ना। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि जो काम पहले 500 रुपया हो 2000 में ना है रहे। सरकार तो ये कह रही भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो गया है। जड़ से? हाँ, गुंडा माफिया जेलों में है। अरे गुंडा माफिया कोई जेल में ना आए। अब ये हमारे गांव में कटेलिया में एक हरिजन की लड़की को 19 दिन हो गए आज अगवा करके ले गए, और आज तक उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 19 दिन हो गए, पारसोली गांव में एक लड़की को 8 साल की को उठा के ले गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। ये गुंडा माफिया ने खत्म कर रहे हैं नाबालिग। ये भी हमारे गांव कटेलिया की एक लड़की हरजन की 14 साल की लड़की है और 19 दिन हो गए आज। चलिए, तो एक तो किसानों से जो है आप, मतलब किसानों के मुद्दे में सरकार फेल हो गई आपके हिसाब से, बिल्कुल ठीक है। युवाओं से, आपके घर में युवा भी होंगे? अरे युवा ने रोजगार कहाँ मिल लो है? जहाँ पहले फैक्ट्री में काम करेगा 100 आदमी काम करे उधर सही छोड़े हम। तो पिछले बार तो भर भर के वोट दे रहे थे, कह रहे अरे जो उन्हें कही ना हो, इनने झूठे के लॉली बॉप दिए बहुत, 1 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, और बजाय देवे के छीने और लिए। आज बेरोजगार जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं आज घर बैठे बेचारे, कहाँ से खर्चा चलाएंगे? कह रहे हैं कि किसानों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में। अरे सब बेकार की बात है कि नहीं। अच्छा, मोदी जी के नाम पे और यो जिस तरीके से चुनाव प्रचार पूरा देखने को मिला, उनके नाम पे भी वोट मिलेगा क्या है? मोदी जी ते बड़ो झूठा या हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री ना भयो, झूठा प्रधानमंत्री ना भयो कोई, जे तो हमारे श्याम सुंदर शर्मा दे ऊंचो झूठा पायो, जे हमारे श्याम सुंदर शर्मा उन्हों के गंगा मैया की कसम, जमुना मैया की कसम, विकास की गंगा बहा दूंगा, अब वह गंगा जी में डूबे तलगा गड़ी में और दया भगवान गड़ी में, इतने तरह का ढेर में गाड़ी आ रही है। अब बताओ ऐसे ही मोदी जी हैं, ऐसे ही मोदी जी हैं? मोदी जी सबसे नंबर एक झूठा लॉलीपॉप देने वाला आदमी। हम तो जाते आगे तंग। तो क्या चल रहा है इस बार चुनाव में? आप कटेलिया जी का पूरा कटेलिया जी तो जीतेंगे यहाँ, कटेलिया जी जैसा तो एक भी नेता है ही नहीं। सरकार बीजेपी की बनेगी? अरे सरकार नहीं बनेगी बीजेपी की। अच्छा, हमारी आम आदमी पार्टी की बनेगी। अच्छा, हाँ सरकार आम आदमी पार्टी। अरे ईमानदार पार्टी, ईमानदार नेता दिल्ली में। अरे यहाँ आवेगी, यूपी में आवेगी, यूपी में। देश का भविष्य है केजरीवाल, देश का भविष्य, देश का भविष्य, देश का भविष्य है उस जैसा ईमानदार नेता, और हमारे कटेलिया जैसा ईमानदार नेता कोई ढूंढ के लाओ, हम मान लेंगे। काम काज योगी जी के काम काज देख करके 10 में से कितना नंबर देंगे? अरे मैं तो वहां 0 तक, और कोई 0 होती ना नीचे तो देखो, अब 0 के नीचे कोई है ना, तो ये समस्या हो गया मतलब आप। हाँ जी, अच्छा चलिए, और भी लोग बातचीत करेंगे।